राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय, आज जानेंगे भगवान शनिदेव के जो व्रत हैं, कितने व्रत हमको रखने चाहिए, कितने व्रत धारण करने चाहिए, क्या क्या उसके नियम रहते हैं, क्या क्या व्रत में खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए, और साथ ही में जानेंगे कि शनिवार के जो हम व्रत रखते हैं उसका उद्यापन कब करना चाहिए। क्योंकि जो भी शास्त्र में नियम बताए गए हैं, प्रत्येक कार्य शास्त्र के अनुसार जब हम करते हैं तो निश्चय ही हमें लाभ की प्राप्ति होती है। तो जब हम व्रत को धारण करते हैं, व्रत को रखते हैं अपनी कामना की सिद्धि के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए, तो उसमें उद्यापन परम आवश्यक कहा जाता है। यदि हम उद्यापन नहीं करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले शनिवार के व्रत कब से आरंभ करने चाहिए। नवग्रहों में कहा जाता है कि भगवान शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। जितने भी मनुष्य के कर्म होते हैं उन सभी का न्याय करना शनिदेव के अधीन है, क्योंकि उनकी जो महादशा आती है वह 19 वर्ष की आती है। वह कठिन परीक्षाओं में तपाकर स्वर्ण की तरह चमका देते हैं। यदि मनुष्य गलत मार्ग पर चल रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो वह उसको तपाकर सत्य के मार्ग की ओर प्रेषित करते हैं, भेज देते हैं। ऐसे हैं भगवान शनिदेव। कहते हैं कि यदि कुंडली में शनिदेव शुभ स्थान में विराजमान है तो मनुष्य को निरंतर उन्नति प्रगति प्रदान करते हैं, और यदि शुभ स्थान में नहीं विद्यमान है तो मनुष्य को अनेक प्रकार की संकटों का सामना करना पड़ता है। हर कार्य में विघ्न और बाधाएं आती है। मनुष्य को अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में माना जाता है। भगवान शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, इस कारण अतुलित बल के धाम हैं। अनेक प्रकार की शक्तियों से ये संपन्न माने जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और उन्हीं के पुत्र हैं भगवान शनिदेव, तो वह भी सूर्य के समान ही परम प्रतापी और बलशाली कहे जाते हैं। लेकिन न्याय को देखते हुए प्रत्येक वह कार्य को करते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में कष्ट है, रोग है, शोक है, दुख है, इन सभी कष्टों से वह छूटना चाहता है तो निश्चय ही उसे शनिवार के व्रत रखने चाहिए। लेकिन शनिवार के व्रत को रखने के लिए कुछ नियम शास्त्रों में कहे गए हैं। उसके विषय में कहा गया है कि किसी भी व्रत को आप आरंभ करना चाहते हैं तो चैत्र माह से आरंभ करना चाहिए, कार्तिक माह से आरंभ करना चाहिए, श्रवण माह से आरंभ करना चाहिए या माघ माह से आरंभ करना चाहिए। यदि आप इन चार महीनों में किसी भी व्रत को आरंभ करते हैं तो निश्चय ही आपको लाभ की, सिद्धि की, सफलता की प्राप्ति होती है। शनिवार के जब व्रत आप आरंभ करें तो किसी भी शुक्ल पक्ष से आरंभ करना चाहिए। शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या के बाद जो प्रथम शनिवार आएगा उसी से आप व्रत को आरंभ करें। लेकिन व्रत को आरंभ करने से पूर्व हाथ में जल लें और संकल्प भगवान के सम्मुख करें। मंदिर जा सकते हैं अति उत्तम, यदि नहीं जा सकते तो घर पर ही संकल्प लेके भगवान के व्रत का कि प्रभु मैं इतने व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अपना नाम और गोत्र आदि बोलकर भगवान को जल समर्पित कर दें। तो इसके नियम है कि आप 7 व्रत रखें, 19 व्रत रखें, 25, 33, 51 या 108 व्रत रखने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। यदि आप 7, 19, 25, 33, 51 या 108 व्रत को धारण करते हैं तो निश्चय ही भगवान की जो 7.5 है, शनिदेव की जो ढैया है, उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होती है। यदि शनिदेव आपसे रुष्ट हैं, आपको कष्ट प्रदान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके प्रारब्ध के कर्म इस प्रकार के हैं जिसके कारण आप कष्ट भोग रहे हैं, उन कष्टों से दूर होने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए आपको भगवान शनिदेव के व्रत रखने चाहिए। लेकिन क्या क्या नियम है, कैसे करने चाहिए, चलिए आगे जानते हैं। शनिवार के व्रत के विषय में कहा जाता है कि जब से आप व्रत आरंभ कर रहे हैं तो उस दिन आपको प्रातःकाल ब्रह्मवेला में उठना चाहिए। ब्रह्मवेला यानी कि 3 से 6 के बीच, और 3 से 6 के बीच में भी सूर्य उदय से पूर्व आपको उठ जाना चाहिए। ऐसा शनिदेव के व्रत के विषय में व्याख्यान हमें प्राप्त होता है। इस दिन शनिदेव की पूजा के साथ साथ पीपल वृक्ष के पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व कहा जाता है। पीपल वृक्ष में गंगा जल मिश्रित, तिल मिश्रित जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक लगाने से विशेष प्रभाव शनिदेव की महादशा में आपको प्राप्त होता है। कहते हैं कि शनिवार के व्रत में निश्चय ही कोई ना कोई सोल कहते हैं शनिवार के व्रत में शनिदेव को लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु अवश्य समर्पित करनी चाहिए। यदि अधिक सामर्थ्यता ना हो तो एक सिक्का या कॉइन आप
भगवान शनिदेव को समर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है यदि सामर्थ्यता है तो पंचामृत आदि से भी भगवान को स्नान कराना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि शनिदेव की प्रतिमा पर विधि पूर्वक पर सरसों के तेल से भी अभिषेक करने का विधान हमें प्राप्त होता है, अवश्य करना चाहिए कि प्रतिमा पर सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए, यानी सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। भगवान शनिदेव के निमित्त काले तिल, धूप, दीप, काला वस्त्र, तेल आदि निवेदित करना चाहिए और भगवान को भोग के रूप में आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। यदि सामर्थ्यता नहीं है, समय नहीं है कि आप खिचड़ी बनाएं, तो आप बतासे, मिश्री या जो भी समय पर उपलब्ध है उसी के अनुसार आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान के 10 नामों का अवश्य उच्चारण करना चाहिए, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: कौणस्थ, कृष्ण, पिपला, सौरी, यम, पिंगलो, रौद्रक, रौद्रोत्को, बभ्रु, मंदसनेश्वर। इन 10 नामों का अवश्य पूजन करना चाहिए। समय अगर है तो 1 चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात पिपल देवता पर उसमें शनि देव का वास मानकर आपको 7 बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए और इसके पश्चात जो है वहाँ बैठकर 11 बार कम से कम ओम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, यदि आप स्त्री हैं तो आपको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पुरुष हैं तो निश्चय ही ओम का उच्चारण करना चाहिए और ओम की ध्वनि ऐसी हो जो गुंजायमान हो जाए, जिससे आपको सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। इस दिन घर में शुद्धता का वातावरण रहना चाहिए, और प्रातः सूर्य उदय से पूर्व ही भगवान शनिदेव का पूजन किया जाता है और शाम को सूर्य अस्त के पश्चात भगवान शनिदेव के पूजन का विधान शास्त्रों में कहा गया है। चलिए आगे जानते हैं शनिदेव के उद्यापन की विधि। इस दिन शनिदेव का जो प्रिय वृक्ष है समी वृक्ष, उनके पूजन का भी बड़ा विशेष विधान कहा जाता है। समी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रातः और सायंकाल दोनों समय लगाने से शनिदेव की बड़ी विशेष कृपा साधक को प्राप्त होती है। इस दिन भोजन में साधक को, यानी जो व्रत को धारण कर रहा है, उसको उड़द से बने हुए पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल से आरंभ होकर शाम तक फलाहार में रहें। दिन में 1 समय फलाहार ले लेना चाहिए और शाम को 1 समय भोजन का विधान शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन भोजन में शनिदेव को भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में उड़द की दाल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे श्रेष्ठ फल की आपको प्राप्ति होती है। भोजन में कुछ तला हुआ पदार्थ भी अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि तले हुए पदार्थ में तेल का प्रयोग होगा और तेल भगवान शनिदेव को परम प्रिय है। चलिए अब जानते हैं शनिवार के उद्यापन के विषय में। शास्त्र पुराणों के अनुसार उद्यापन के विषय में कहा गया है, शुभ मुहूर्त और तिथि नक्षत्रवार आदि को देखकर ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए सबसे पहले आप जो आपके पूर्ण व्रत हैं, यदि आपने 7 व्रत रखे हैं तो 7वें व्रत में उद्यापन करने का विधान है। 11 रखे हैं तो 11वें व्रत में उद्यापन करने का विधान है। 25 रखे हैं तो उस व्रत में उद्यापन करने का विधान है। तो प्रातःकाल उठें, 1 दिन पूर्व सभी सामग्रियों को एकत्र कर लें। सामग्रियां हैं 1.25 मीटर काला वस्त्र, 1.25 किलो उड़द, 1 यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, 1 कलावा, 1 रोली, 1 रोली का पैकेट आप ले लीजिए। भगवान के निमित्त फल जितना भी हो, 5, 7, 11, 21 जितने भी फल आपको प्राप्त हों, काले तिल, जौ, लोहे से बनी हुई एक वस्तु, ऐसी वस्तु जो प्रयोग में आ जाए, चाकू हो सकता है, छुरी हो सकती है, लोहे की हथौड़ी या हथौड़ा, छोटी सी जो भी हो, प्लास, पेचकस इत्यादि, जो पूजन के पश्चात वह वस्तु नित्य प्रयोग में यदि आती है तो उसका बड़ा ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। लोहे से बनी हुई ऐसी वस्तु जो नित्य प्रयोग में आए, जहाँ पर भी आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ नित्य प्रयोग में यदि उस वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो निश्चय ही उसका और अधिक फल आपको प्राप्त होता है। भगवान के निमित्त जो भी आपने भोग में खिचड़ी इत्यादि बनाई है, थोड़ी उसको आपने अधिक बनाना चाहिए। लगभग 1.25 किलो के आसपास आप खिचड़ी का भोग बना कर ले जाएं। बाकी सामर्थ्यता अधिक है, 5 किलो, 7 किलो, 11 किलो की खिचड़ी का भोग आप बना सकते हैं और उस दिन
भक्तजनों में वितरित करने का विधान है। उस दिन भगवान शनिदेव के निमित्त यज्ञ करने का विधान कहा गया है। यज्ञ आदि करके ही आपको भगवान को यज्ञ के माध्यम से आहुतियाँ देकर, हव्य देकर भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। शनिदेव जी के निमित्त 108 आहुतियाँ देनी चाहिए, या इससे भी अधिक समय प्राप्त हो तो इससे भी अधिक आहुतियों को देकर ही व्रत को पूर्ण करने का विधान है। व्रत के उद्यापन में यज्ञ परम आवश्यक माना गया है, और किसी भी अनुष्ठान आदि, किसी भी पूजन का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसमें यज्ञ अवश्य किया जाए, तो यज्ञ का विधान सर्वोपरि कहा गया है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो।